Hello friends, I am Vikram Mehta on my YouTube channel Vikram Mehta KHAJURI English Coaching Classes. आपको मैंने अभी तक टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया कि पॉजिटिव वाक्यों का, नेगेटिव वाक्यों का और इंटरगेटिव वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं. लेकिन साथ ही अगर हमें वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं तो हम वाक्यों का निर्माण नहीं कर पाते हैं. आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड के मीनिंग बताऊँगा जो कि आपने कम ही सुने होंगे या बिल्कुल ही नहीं सुने होंगे. तो बीच बीच में मैं आपको वोकैबुलरी भी सिखाता रहूँगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास SWEAT, स्वेट. स्वेट मीन्स पसीना और SWEET स्वीट होता है मिठाई. सेकंड वर्ड है SYRUP, सिर्फ. इसका मतलब होता है शरबत. HUBBLE, हबल. BUBBLE, हबल बबल, हुक्का जो कि पीते हैं आमतौर पर लोग. हबल एंड बबल, वैसे बबल्स होते हैं बुलबुले. फोर्थ वर्ड है STIR, स्टर. स्टर का मतलब होता है हिलाना, जैसे किसी चीज को हम हिलाते हैं तो स्टर. फिफ्थ वर्ड है हमारे पास SUFFOCATION, सफोकेशन. सफोकेशन होता है घुटन होना, जैसे हम कहीं पर भीड़ भरी जगह पर होते हैं. सफोकेशन मीन्स घुटन. नेक्स्ट वर्ड है PERK, पर्क. पर्क का मतलब होता है इतराना. नेक्स्ट वर्ड है BRICK, ब्रिक. ब्रिक मीन्स ईंट, जिससे मकान वगैरह का निर्माण होता है. नेक्स्ट वर्ड है DUNG, डंग. डंग मीन्स गोबर, गाय या भैंस का. नेक्स्ट वर्ड है CURD, कर्ड. कर्ड मीन्स दही, दही जो हम घर पे यूज करते हैं, खाते हैं. और लास्ट वर्ड है आज का JAGGERY, जैगरी. जैगरी मीन्स गुड. तो इसी तरह से मैं आपके लिए और वोकैबुलरी लेके आता रहूँगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स. आप मेरी वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए. स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तभी आपको ये मीनिंग्स क्लियर होंगे. मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.